नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक लोकसभा से गुरुवार 3 अगस्त को पास हो गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में बिल पर चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। वहीं इस दौरान कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके समेत अन्य विपक्षी दलों ने बिल का कड़ा विरोध किया। अमित शाह ने विधेयक के पक्ष में तर्क देते हुए सदन में कहा, अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली को लेकर किसी भी मुद्दे पर सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि संविधान में भी हमें यह अधिकार दिया गया है। अमित शाह ने आगे कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर बीआर अम्बेडकर भी दिल्ली को राज्य का दर्जा दिए जाने के विरोध में थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन को दिल्ली की नहीं सिर्फ अलायंस की चिंता है, ये विधेयक का विरोध राजनीति के लिए कर रहे हैं। सारे मित्रों को कि संसद ने अब तक इस बैठक के अंदर ये सत्र जब से शुरू हुआ तब तक 9 बिल पास कर लिए। सारे बिल अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण थे, माननीय अध्यक्ष, हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिल थे। उसमें इन्होंने कहा पीएम आकर जवाब दे, पीएम आएंगे तभी संसद चलने लगे। आज क्या हो गया है? आज इस बिल में मैं तो स्वागत करता हूं, आपने चर्चा की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो चाहता हूं हर रोज ही आ जाइए, परंतु आज क्या हुआ है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण। क्या देश की चिंता है? तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए। हरियाणा के नूह में शोभा यात्रा के दौरान